अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सॉल्यूशंस बाय सर जीएम चांडियो की तरफ से आज हम इंतहाई आसान एलसीएम की मैथ्स ट्रिक लाए हैं आपके लिए। से ट्रिक हल करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एलसीएम जो है वो निकालना सिखाता हूँ। ये आपके सामने रकम मौजूद है एलसीएम शॉर्ट ट्रिक, ये देखें पहला 4, 8, 12 और 24। वैसे आमतौर पर इसका जो निकाला जाता है एलसीएम वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि ये 4, 8, 12 और 24 ये तरीका होता है डिवीजन मेथड वाला करने का। पहले दो की टेबल रख रही है दो मरतबा, चार मरतबा, फिर 6 मरतबा और 12 मरतबा, फिर भी दो की टेबल अभी भी जा रही है, 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा और ये 6 मरतबा अभी भी दो की टेबल जा रही है। ये का एक रहेगा 1 मरतबा 3 का 3 रहेगा और ये 3 मरतबा। अब फिर 3 की टेबल जा रही है 1 का 1 रहेगा 1 का 1 3 की टेबल 1 मरतबा और 3 की टेबल 1 मरतबा। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3, तो ये 2 to the 4, 2 to the 8 और 3 to the 24 ये एलसीएम निकल आती है इसकी। ये तरीका हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बहुत ही आसान है, देख के आप मालूम कर सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या निकलेगा। सबसे पहले जो आपको रकम मिले उसमें देखें बड़ा अदद कौन सा है। देखें बड़ा अदद इसमें 24 है। अब देखना पड़ेगा कि इनमें से 4 की टेबल देखो जा रही है 6 मरतबा 8 की टेबल 3 मरतबा जा रही है 12 की टेबल 2 मरतबा जा रही है और 24 तो खुद मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इसकी एलसीएम 24 निकलेगी। अब देखें दूसरी रकम है 10, 15, 30 है। 10 की बड़ा रकम बड़ा अदद जो है इसमें देखें कौन सा है, 30 है। अब 10 की टेबल 3 मरतबा जा रही है 15 की टेबल 2 मरतबा जा रही है, तो इसका बड़ा अदद जो है खुद ही इसका एलसीएम है। तीसरे नंबर पर आ जाएँ, देखें 3, 6, 9, 18 बड़ा अदद कौन सा है, 18 है। 3 की टेबल भी जा रही है 6 की टेबल जा रही है 9 की टेबल भी इसमें जा रही है 18 में, तो ये 18 इसकी एलसीएम हो जाएगी। चौथे नंबर पे देख लें 10, 15, 20 अब इसमें देख लें बड़ा अदद 20 है, 10 की टेबल जा रही है 15 की टेबल नहीं जा रही, तो जब ना जाए तो फिर इस बड़ी रकम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब 40 में 10 की टेबल जा रही है लेकिन 15 की टेबल नहीं जा रही, फिर इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। और 60 पे देखें 10 की टेबल भी जा रही है 15 की टेबल भी जा रही है, तो इसकी एलसीएम 60 होगी। अब देखें फिफ्थ नंबर पे 12, 16 और 24 इसमें सबसे बड़ा आदत देखें 24 है, 12 की टेबल भी जा रही है इसमें, 16 की टेबल नहीं जा रही, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें बड़ी रकम को, ये 48 हो जाएगा। 48 में 12 की टेबल 6 मरतबा जाएगी, 16 की टेबल 3 मरतबा जाएगी और 24 तो वैसे ही 2 मरतबा जा रही है, तो 48 जो है इसकी एलसीएम हो जाएगी। सिक्स नंबर देखें 5, 8, 10 अब बड़ा आदत 10 है, देखो 5 टेबल जा रही है लेकिन 8 की टेबल नहीं जा रही, इस पे 2 से मल्टीप्लाई करें इसको तो ये 20 हो जाएगा, लेकिन 20 पे फिर भी 8 की टेबल नहीं जा रही, फिर इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 हो जाएगा। अब 30 में भी 8 की टेबल नहीं जा रही, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 हो जाएगा, और 40 पे 5 की टेबल भी जा रही है और 8 की टेबल भी जा रही है, तो इसकी एलसीएम 40 हो जाएगी। तो इसी तरह जो भी रकमें आपको मिलें आप इसी तरीके से करेंगे तो ये बहुत ही जल्द और आसान तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आई होगी, इसे यूज़ करें ताकि कोई भी क्वेश्चन बड़ा हो वो उसे आप आसानी के साथ जो है उसकी एलसीएम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। आइंदा भी मज़ेदार और आसान ट्रिक के साथ मैं जो है वो हल करता रहूँगा मैथ्स बहुत ही आसान तरीके से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।